नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो तीन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। दो चीजें हैं, सबसे पहले आपके एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, दूसरा जो सिलेबस आए हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या इस बार सिलेबस सेम रहेगा या कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं, और तीसरा आपके कॉलेज जो कल से स्टार्ट होने वाले हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, किस प्रकार कॉलेज स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। आप देख सकते हैं हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट दिखाएं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, कल आपके 8 फरवरी को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कॉलेज लग जाएंगे, बिल्कुल सुचारू रूप से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। और जो जो मैंने पहले आपको नियम बता दिए थे कि किस प्रकार वहाँ पर नियम होने वाले हैं, 50% स्टूडेंट्स को पहले दिन बुलाया जाएगा और 50% स्टूडेंट्स को दूसरे दिन बुलाया जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार से वे नियम चलने वाले हैं। तो कल से 8 फरवरी से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। कई जगह पहले ही स्टार्ट हो गए थे और कई जगह शायद अब से स्टार्ट नए भी हों, लेकिन बहुत सी जगह पर 8 फरवरी से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे और आपको भी इसकी जानकारी मिल गई होगी। मैं समय मैं पर इस तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं, वो भी आपके लिए मैंने जानकारी पहले ही दे दी थी। अब दूसरी बात दोस्तों, जो सिलेबस है आपका इस पर चेंज नहीं होगा, मेरे ख्याल से बदलेगा जो सिलेबस है। पहले जो सिलेबस था 2020 में, जो सिलेबस था 2021 में भी वैसा ही वो सिलेबस रहने वाला है। 2021 में एग्जाम होने वो जो होंगे सिलेबस, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी सिलेबस डाला है, लगभग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरह ही चीज़ें करती हैं, तो उन्होंने चेंज नहीं किया है। तो और भी यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी सिलेबस को चेंज नहीं करेगी। अगर वो यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी चेंज करती तो और यूनिवर्सिटीज को भी करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, तो वो चेंज करेगी तो सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं जो अपडेट मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की आप तक शेयर करता हूँ, आप मान सकते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही लागू होती है। और ये भी यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि कोई भी किसी भी प्रकार के सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। तो जैसा आपका सिलेबस है वही सिलेबस जो 2019 में था, जो आपने पहले एग्जाम दिए थे, तो ठीक वैसा ही सिलेबस, उतना ही सिलेबस आपका रहेगा, इस बार कोई भी कम नहीं होगा। दूसरी बात, आपके एग्जाम कम होंगे, तो एग्जाम यूनिवर्सिटीज ने साफ साफ कहा है कि तैयारियां चल रही हैं और आपके एग्जाम अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे। यानी अप्रैल, यो कई कई यूनिवर्सिटीज ऐसा भी कर रही है कि मार्च में हम करवा लेंगे। मार्च में आप कैसे करवा लोगे, मार्च में आपके एग्जाम फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए हैं। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने के बाद 1-1.5 महीने तक तो एग्जाम फॉर्म ही चलते हैं, 1 महीना तो निश्चित रूप से चलते ही चलते हैं, तो आप कैसे एग्जाम करवा लोगे। तो ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जैसे आप कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे एग्जाम मार्च में होंगे, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी मार्च में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी मार्च में एग्जाम नहीं करवा पाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और दो अगली चीज़ है, आपके लिए एग्जाम हो गया अप्रैल के लास्ट वीक तक, करवा सकते हैं मई में, लेकिन मुझे लगता है कि मई में ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने चाहिए। अगली चीज क्या है, एग्जाम फॉर्म को लेकर, तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जैसी कि अपडेट है कि सारी चीजें अब देखिए सभी के रिजल्ट आ गए हैं और लगभग सिलेबस भी यूनिवर्सिटीज ने अपलोड कर रही हैं। तो अब बात रही है एग्जाम फॉर्म की, तो 15 फरवरी से पहले एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे नहीं, उसके बाद कभी भी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम फॉर्म 15 फरवरी से पहले स्टार्ट नहीं होंगे, 15 फरवरी के बाद एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज तैयारियां चल रही हैं यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि अपडेट आई थी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्सिटीज तैयारी में लगी हुई है और तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, तो कभी भी आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। और जैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म को लेकर अपडेट आएगी कि कब स्टार्ट होंगे, कब जो डेट आएगी कब से फॉर्म स्टार्ट है, तो आपको सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हमेशा ही मैं आपके लिए सबसे पहले बनाता हूं। तो दोस्तों ये थी जो आपकी सारी शंकाएं मैंने दूर करने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपको भी बताया कि कल कॉलेज लग जाएंगे, एग्जाम फॉर्म के बारे में भी हमने बात की, और सिलेबस दोबारा सुन लीजिए, सिलेबस में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज चेंज नहीं करेंगी, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कोई कर सकती है, लेकिन अभी तक जो अपडेट है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को चेंज नहीं किया है, तो दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेबस को चेंज नहीं करेगी ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि जो सारी चीजें हैं रिजल्ट को देख सकते हैं आप, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डाला तो
तुरंत उनके बाद जो बाकी यूनिवर्सिटीज ने उन्होंने भी रिजल्ट को डाल दिया और 15 फरवरी से पहले आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे। हो सकता है दोस्तों अगर तैयारियां पूरी होगी, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं और आपको पता है यूनिवर्सिटीज की तैयारियां कैसी होती हैं, बहुत बिजली होती हैं, हो सकता है एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब भी स्टार्ट होंगे आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी अपडेट, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट दिखाएं अपना। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।